जय माता जी की हुकुम। मैं डॉक्टर रतन सिंह चिराना आप सभी हुकुम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम भारत के राजपूत इतिहास में धर्म रक्षक सुजान सिंह जी की कहानी पढ़ रहे हैं। तो दूसरे दिन सुबह है जब मुगल सेना दराब खां के नेतृत्व में, जो औरंगजेब सेना का सेनापति था, के नेतृत्व में खंडेला मोहन जी के मंदिर को तोड़ने के लिए आ गई। तो मुगल सेना को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई सेना सामने मिलेगी, भले ही वो एक छोटी सी 60 सेनों की कुछ टुकड़ी हो। तो दराब खान ने पहले उनको समझाया कि आप लोग हट जाइए, ये मुगल बादशाह औरंगजेब का आदेश है और इसकी अवहेलना करने का परिणाम आप लोग जानते हो। तो सुजान सिंह जी ने कहा कि मेरे बादशाह, मेरे सम्राट, मेरे गोपीनाथ जी हैं, मेरे मोहन जी हैं, मैं उन्हीं का आदेश मानता हूँ, मेरे लिए कोई बादशाह नहीं है और मैं उन्हीं के आदेश पर यहाँ यवनों को मारने के लिए आया हूँ। तुम्हें जिस किसी को जाकर कहना है उसको कह दो। दराब खां ने सुजान सिंह जी से पूछा कि आपका नाम क्या है। तो सुजान सिंह ने कहा, मेरा नाम सुजान सिंह शेखावत है और मैं छापोली गाँव का हूँ, तुम्हें जो कुछ करना है वो कर लो। तब दराब खान ने फिर सुजान सिंह जी से कहा कि आपकी उम्र बहुत छोटी है, अभी आप दूल्हे के वेश में हो, आप का वैवाहिक जीवन शुरू होने वाला है, आप यहाँ क्यों मरना चाहते हो। तो सुजान सिंह जी ने कहा कि मुझे मरने का भय नहीं है, मरने का भय तो तुम लोगों को हो, तुम लोग अपनी सोचो। या तो यहाँ से, यदि तुम्हें युद्ध नहीं करना है तो यहाँ से अपनी इस विशाल सेना को हटाओ और वापस दिल्ली चले जाओ, अन्यथा युद्ध लड़ो। तुम सबके पास में ये एक ही विकल्प रहेगा। तब दराब खां ने सोचा कि जब राजपूत दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं तो भले ही वो 60 ही हो, बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। इसलिए दराब खां ने कहा कि ठीक है, आप हमें मंदिर का केवल गुंबद तोड़ लेने दो, बाकी मंदिर छोड़ देंगे। तो सुजान सिंह जी ने कहा कि मंदिर का गुम्बद तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम मलेच्छों को मंदिर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ने दूंगा, और यदि तुम सीढ़ियां भी चढ़े तो मेरा सर कटने के बाद में चढ़ोगे, पहले पांव भी नहीं धर सकते। तब दराब खां ने देखा कि ये समस्या तो बड़ी हो गई, तो उसने फिर अपनी एक चाल चली। उसने कहा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे इस मंदिर के चबूतरे का केवल एक छोटा सा कोना तोड़ लेने दो, फिर हम वापस चले जाएंगे और हम बादशाह सलामत को जाकर कह देंगे कि हम मंदिर तोड़ाए, लेकिन आप हमें हमारी बात रख लेने दीजिए। तब सुजान सिंह जी ने कहा कि कोना तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको एक छोटी सी कोर भी नहीं तोड़ने दूंगा, तुम लोगों को जो कुछ करना है वो कर लो, मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ, और अन्यथा आप पीठ दिखा के वापस जा सकते हो। अब दराब खां के सामने बड़ी समस्या आ गई, उनके पास युद्ध लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो दराब खां ने सेना को आक्रमण का आदेश दिया, उधर सुजान सिंह जी ने अपने 60 योद्धाओं को आक्रमण का आदेश दिया और एक भयंकर युद्ध मचा, जिसमें 32 सेकंड में ही 32 कब्रें अकेले सुजान सिंह जी ने खोद दी। ऐसे महायोद्धा थे सुजान सिंह जी, और महाविनाश शुरू हो गया। दराब खां की सेना को, जो लाखों की सेना थी, उसे 60 राजपूतों के सामने बार बार पीछे हटना पड़ रहा था। अब दराब खां के लिए इज्जत बचाने का संकट खड़ा हो गया था। आगे के युद्ध में क्या हुआ ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। जय माता जी की हुकुम।